नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पराग गुल्लाने, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ किडनी स्टोन्स। सो हमारे देश में, इंडिया में, एस्टिमेट्स बताते हैं कि लगभग 15% ऑफ आ पॉपुलेशन 15% ऑफ आ पॉपुलेशन इनको किडनी स्टोन की बीमारी है। और वर्ल्ड वाइड स्टडीज ये प्रूव करती है कि अगर आपको एक बार किडनी स्टोन होता है तो आपको फ्यूचर लाइफ में वापस किडनी स्टोन होने का रिस्क ये 50% से, यानी 50% से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इसमें प्रिवेंशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही किडनी स्टोन्स का वापस रिकरेंस या उसको कैसे हमें प्रिवेंट करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका वाटर इनटेक, आप पानी ज़्यादा लीजिए, कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी दिन में जाना चाहिए। जब आप पानी पीते हो तो उसे इक्वली स्पेस करके पीजिए, कभी भी ज़्यादा ड्यूरेशन या लंबा गैप मत होने दीजिए। रेगुलरली हर एवरी आवरली और एवरी 2 आवरली पानी पीते रहिए, ओके। उसके बाद में पानी जो है वो हमेशा उसका आरओ या तो फिर वो पीएमसी का वाटर होना चाहिए, क्योंकि पानी का टीडीएस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टोन प्रिवेंशन के लिए। पानी का योग्य टीडीएस ये 150 से कम होना चाहिए, जो कि पीएमसी का पानी, यानी पीएमसी का पानी हमारा तालाब से आता है, उसका डेफिनेटली जो टीडीएस लेवल होता है वो कम होता है। सिमिलरली अगर पानी आप बोरवेल का लोगे या तो फिर वेल का, कुएं का पानी अगर यूज़ करते हो तो उसका टीडीएस लेवल ज़्यादा होता है। ऐसे समय हमें आरओ फिल्टर लगा के उसका टीडीएस कम करके बाद में ये पानी हमें पीना चाहिए। पानी जो है ये अगर आप रेगुलरली इक्वली स्पेस करके लोगे तो आपका यूरिन भी हमेशा क्लियर होगा, कभी भी आपके यूरिन का कलर डार्क येल्लो नहीं होगा। और यही फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारा यूरिन का कलर क्लियर होना चाहिए ताकि उसमें के क्रिस्टल्स ये डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेंगे और वो आसानी से बाहर निकलेंगे और स्टोन फॉर्मेशन में मदद नहीं होगी। अब हम आते हैं डाइट की तरफ। तो डाइट में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन स्टोन है वो है कैल्शियम ऑक्सेलेट स्टोन। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इसमें कल्प्रिट ये कैल्शियम नहीं है, गुनेगार ऑक्सेलेट होता है। तो इसीलिए हमें ऑक्सेलेट रिच फूड्स को कम करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं कि ऑक्सेलेट रिच फूड्स कौन से होते हैं। अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें तो पालक एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑक्सेलेट काफ़ी हाई होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पालक अवॉइड कीजिए। उसके व्यतिरिक्त कॉफ़ी भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, चाय में भी कुछ हद तक ऑक्सेलेट होता है, उसे कम करना चाहिए। उसके अलावा जो ऑक्सेलेट अदर फूड्स है जिसमें ऑक्सेलेट ज़्यादा होता है वो है कैशू नट्स यानी काजू, पिस्ता, उसके अलावा रहता है पीनट्स यानी कि ग्राउंड नट्स जो हम लोग मूँगफली बोलते हैं, उसमें भी ऑक्सेलेट का लेवल ज़्यादा रहता है, चॉकलेट्स में ज़्यादा रहता है, उसके अलावा बीट रूट रहता है, स्वीट पोटैटो रहता है, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड थिंग है सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट यानी नमक। देखिए नमक का प्रमाण अगर आप कम रखोगे अपने डाइट में तो ना केवल स्टोन, इवन बीपी और हार्ट डिसीज से भी आपको फायदा होगा, ओके। सो नमक कितना होना चाहिए, एक रफ एस्टिमेट है कि दिन का एक आदमी ने 1 चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। सो अगर घर में आपके जो इतने भी लोग हैं आपको उतना नमक 1-1 चम्मच यूज़ करके, यानी उतने लोगों से उतना ही आपको पूरे दिन भर में यूटिलाइज करना है। अवॉइड पैक्ड फूड्स, जो बाहर पैक्ड फूड मिलते हैं, प्रोसेस फूड मिलते हैं, फास्ट फूड मिलता है, इसमें हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट होता है, इसीलिए इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर नमक के बाद हम आते हैं एनिमल प्रोटीन्स। सो एनिमल प्रोटीन्स का अगर हाई इंटेक आप लोगे तो ये एक अनदर पॉजिटिव फैक्टर है स्टोन्स बनाने के लिए। तो एनिमल प्रोटीन स्पेशली रेड मीट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ये हमें कम करना चाहिए। ऑफकोर्स लिमिट द इनटेक ऑफ चिकन, फिश एंड एग, एक का वाइट ले सकते हो, एक येलो को हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में आता है कैल्शियम रिच फूड। देखिए कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए, इसलिए कैल्शियम रेस्ट्रिक्शन ये एडवाइज नहीं है। इनफैक्ट कैल्शियम अगर आप बहुत कम लोगे तभी भी आपको स्टोन का रिस्क होगा, इसीलिए ऑलवेज इंक्लूड 300-400 ml ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, यानी दूध हो, दही हो, छाछ हो, कुछ भी हो, इसको हमेशा 300 ml तो भी आपको डेली इंक्लूड करना चाहिए। कैल्शियम रिच फूड और ऑक्सेलेट रिच फूड अगर आप कंबाइन करके लोगे तो डेफिनेटली ऑक्सेलेट का एब्जॉर्प्शन कम होता है और इससे भी स्टोन का फॉर्मेशन का रिस्क
कम हो जाता है। तो अगर आप ऑक्सैलेट का कोई फूड लेते हो तो उसे हमेशा कैल्शियम रिच के फूड के साथ में कंबाइन कीजिए। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। देखिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, स्पेशली विटामिन सी सप्लीमेंट्स, ये हम लोगों ने अभी कोविड के दरमियान काफ़ी खाई है, लेकिन सप्लीमेंट से स्टोन का रिस्क बढ़ता है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि अवॉइड टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स और अदर विटामिन सप्लीमेंट्स। इंस्टेड इंक्लूड दैट इन योर डाइट, ये आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। अब क्या चीज़ें, किन चीज़ों का सेवन हमें बढ़ाना चाहिए, वो है कि लेमन वाटर, ये इसमें साइट्रेट होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्टोन। सो लेमन वाटर का इंटेक आप बढ़ाइए। कोकोनट वाटर भी अच्छा होता है, ऑरेंज जूस भी बेस्ट रहता है, उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है जो कि बहुत बेनिफिशियल प्रूव होता है। उसके अलावा फ्रूट्स, स्पेशली संतरा, मौसम्बी, एप्पल, बनाना, ये फ्रूट्स का इंटेक हमें बढ़ाना चाहिए। इससे स्टोन से हमें प्रोटेक्शन मिलता है या स्टोन का आगे चल के रिस्क कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी डाइटरी एडवाइस अबाउट हाउ टू प्रिवेंट द स्टोन फॉर्मेशन। अब मैं कुछ टेस्ट आपको बताता हूँ, जैसे कि एक चीज़ होती है मेटाबॉलिक वर्कअप। अब जिन लोगों को कई बार स्टोन्स तैयार हो चुके हैं या मल्टीपल स्टोन्स दोनों किडनी में है, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों ने एक मेटाबॉलिक वर्कअप नाम की जांच कराना चाहिए। अब मेटाबॉलिक वर्कअप ये क्या होता है, ये एक यूरिन एनालिसिस है, ये एक यूरिन के ऊपर किया जाने वाला टेस्ट है। इसमें हम पूरे 24 आवर्स का, यानी पूरे एक दिन का, मान लो सुबह 9 बजे से अगले सुबह 9 बजे तक का यूरिन सैंपल कलेक्ट करना होता है और फिर ये सैंपल आपको लैब में पहुंचाना होता है। लैब में इसमें कुछ 10 से 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे टेस्टिंग होती है। ये वो केमिकल्स है, वो द्रव्य है कि जिससे स्टोन बनने में या स्टोन फॉर्मेशन को इनिबिट करने में मदद होती है। ऐसे एक ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स का टेस्टिंग किया जाता है कि ये वेदर नॉर्मल लिमिट में है या इसका मात्रा नॉर्मल से अलग है। अगर कोई भी इसमें से द्रव्य नॉर्मल से ज़्यादा मिलता है तो हम उसको कम करने के लिए आपको मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी तरह ये मेडिसिन फिर आपका वो लेवल नॉर्मल के बीच रखते हैं जिससे आगे स्टोन बनने का चांसेस कम हो जाता है। तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक वर्कअप के बारे में अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी और प्राप्त कर सकते हो, और ये काफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल टेस्ट होता है फ्यूचर में अपना स्टोन रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आज दी हुई जानकारी आपको काफ़ी फायदेमंद, काफ़ी फ्रूटफुल होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी और आपको जानकारी इसके बारे में चाहिए हो, तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए या अपॉइंटमेंट पे आप हमें मिल भी सकते हो। थैंक यू।